साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहा हूं। राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से आज बाड़मेर के जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो आपको एक बार तस्वीरें मैं दिखा लेता हूँ। सबसे पहले आप देख लो, नज़दीक से सभी ये गौ भक्त है, अलग अलग गौशालाओं से आए हैं। अब इनकी क्या मांग है, किस लिए आए हैं, एक बार तस्वीरें देख लो आप, उसके बाद इनसे बात भी करेंगे, एक जानकारी लेंगे इनकी क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। उससे पहले एक बार शेयर कर दो फटाफट साथियों। सभी गौ भक्त है, करीब 40-50 लोग यहाँ मिलकर आए हैं बाड़मेर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए। ज्ञापन देने आए हो, क्या समस्या है, कहाँ से आए हो? मैं सेंद्री से आया हूँ। हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा गौशालाओं को साल में 2 किस्तों में अनुदान दिया जाता है। पिछले साल की दूसरी किस्त 2 नवंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक की थी, अभी तक गौशालाओं को मिली नहीं है और लगभग 1 वर्ष से अनुदान नहीं मिलने के कारण गौशालाओं को चारा खरीदने में बड़ी दिक्कत हो रही है। गौशालाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और अब यदि सरकार शीघ्र अनुदान आज या कल 2 दिन में नहीं देती है तो गौशालाएँ अपने गोवंश को भगवान भरोसे छोड़ेगी और उससे जितने भी अव्यवस्थाएँ पैदा होगी उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि अब गौशालाओं के पास कोई दूसरा चारा बचा ही नहीं है कि हम गायों की इससे आगे पाल सकें। गुरु जी, कौन सी गौशाला है आपकी? मेरी सिंदरी गौशाला है। सिंदरी गौशाला, कितने पशु है गौशाला? 1500 गोवंश। कितना अनुदान बनता है अभी? राजस्थान बाड़मेर जिले की 18 गौशालाओं का अनुदान बाकी है। हाँ, जिनका 14 करोड़ रुपये बकाया है। हाँ, तो 18 गौशालाओं में भयंकर दिक्कत है। हाँ, साथ ही इस वर्ष का जो है अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो प्रथम अनुदान की किस्त है इस प्रति वर्ष की, उसके लिए भी बजट जारी हो चुका है, परंतु अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं निकली है। जब तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं होती है तो गौशालाओं के बिल नहीं बनते और गौशालाओं को समय पर अनुदान नहीं मिलता है। यदि समय पर यदि अनुदान मिल जाता है तो इस समय बरसाती चारा निकला है तो सस्ता भी मिलेगा, अच्छा चारा भी मिलेगा, गौशालाएं चारे को खरीद के संग्रहित करके आने वाले दिनों के लिए रख सकती है, परंतु धन अभाव के कारण अनुदान नहीं मिलने के कारण सभी गौशालाओं के लिए समस्या खड़ी है। तो सरकार से हम और प्रशासन से निवेदन करने आए कि आप इस काम को जल्दी करें, नहीं करते तो हमको मजबूरन गोवंश को भगवान के भरोसे छोड़ना पड़ेगा। क्या नाम है गुरु जी आपका? मेरा नाम रघुनाथ भारती है। ठीक है गुरु जी, क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए हो? मेरा नाम भागराराम है, मैं श्रीराम गौशाला संस्थान कोजा से आया हूँ। क्या समस्या है, किस लिए आए हो? समस्या साहब, नवंबर 2022 से जून 22 तक का 23 तक का भुगतान नहीं मिला है। हाँ, और उस चारे के अभाव में पशु बैठे हैं, गौ माताएँ भूखी रह रही हैं, उनको चारा नहीं मिल रहा है, क्या करें? पहले कर्जा खूब हो गया, ऊपर 3 साल पर अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला सरकार के द्वारा। हाँ, पहले तो हम अनुदान के योग्य नहीं थे, लेकिन अब योग्य हुए तो प्रशासन द्वारा पैसा वित्तीय व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में कितनी गौशाला और कितना अनुदान बाकी है? जिले में बाड़मेर जिले की 22 गौशालाओं का अनुदान बाकी है। हाँ, 22 गौशाला का अनुदान बाकी है, 14 करोड़ रुपए बाकी है बाड़मेर के। हाँ, 5 महीने के वो नहीं मिल रहे? और नहीं मिले। तो सर क्या कह रहा है प्रशासन, क्या कह रहा है सरकार, क्या कह रही है? हम तो कई बार आएंगे, हो जाएगा। ये अब मुख्यमंत्री जी से मिले थे 6 तारीख को। हाँ, तो उन्होंने कहा 72 घंटे में ये व्यवस्था कर दी जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अभी किससे मिलने आए हो? अभी कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, प्रशासन से। तो प्रशासन हमारी मदद करे। हाँ, हमारे पशुओं को बचाए, नहीं तो वो भगवान भरोसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ से आए? मैं जालबेरी बूनिया, मतलब वैसे तो बाड़मेर का ही वो भक्त है हम। हाँ, हर गौशाला से आए हैं। हाँ, लेकिन वैसे बूनिया से है हम। हाँ, श्री कामधेनु गौशाला बूनिया। क्या मांग, क्या है मांग? यही है कि हमारे अनुदान नहीं मिल रहा है, नवंबर 22 से लगा करके आज दिन तक 1 रुपये नहीं मिला है। हाँ, सरकारी तरफ से हमारे से कोई मदद नहीं हुई है। हाँ, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर साहब को। कितनी गौशालाओं का अनुदान बाकी है? लगभग अभी 22 गौशाला का है, 14 करोड़ रुपए बाकी है। हाँ, दिए नहीं है। जी सर, तो आज किससे मिलने आए हो? आज जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। वैसे पिछली बार 2 दिन हुए हैं ज्ञापन दिया था, लेकिन उसकी कार्रवाई नहीं हुई है, तो आज और फिर जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए
रघुनाथ भारती जी महाराज को लेकर के हम यहाँ आए हैं जिला कलेक्टर साहब के पास। ठीक है, धन्यवाद।